हेलो एवरीवन, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ईमेल एड्रेस है जहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये नंबर भी इन्होंने दे रखे हैं। इसके साथ साथ जो वैकेंसी आई है ये 2024-25 का जो अकेडमिक ईयर है उसके लिए आई है, और ये प्योरली बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज हैं। 57,700 आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। आप इस डिटेल को गुरुग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। 29 तारीख तक आपको इस फॉर्म को भर के जमा कराना है वहाँ पे, सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको अटेस्ट करके। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जो एडवर्टीजमेंट, ये जो है ये वैकेंसी किस तरह की वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है अगर हम बात करें तो। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है वो बॉटनी में 2 वैकेंसी हैं। एक एससी की, एक जर्नल की है। दो वैकेंसी जूलॉजी में है, एक ईडब्ल्यूएस की, एक बीसीबी की। बायोटेक्नोलॉजी में एक एससी की, एक जनरल की वैकेंसी है। संस्कृत में एक वैकेंसी जनरल की है। हिंदी में एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 वैकेंसी एससी की हैं और बीसीए की, बी की एक है, जनरल की एक है, बीसीए की एक है। एनिमेशन में एक एससी, एक जनरल की वैकेंसी है। फिर पॉलिटिकल साइंस में एक वैकेंसी है बीसीए की। एमएसडब्ल्यू में एक वैकेंसी जनरल की। आर्किटेक्चर में 3 वैकेंसी हैं, एससी की एक वैकेंसी है, जनरल की एक वैकेंसी है, और एससी ईसीएम की एक वैकेंसी है। नर्सिंग में 4 वैकेंसी है, एससी की एक है, बीसी ए की एक वैकेंसी है, बीसीबी की एक वैकेंसी है, एक जनरल की वैकेंसी है। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो एक वैकेंसी जनरल की है। पब्लिक हेल्थ में 2 वैकेंसी जनरल की है और हिंदू स्टडीज़ में 1 वैकेंसी जनरल की है। इस तरह से ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। प्योरली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है। आप इस पे 57,700 आपको मिलेंगे। अगर आपको फॉर्म यहाँ पे जमा कराना है तो 1,000 अप्लीकेशन फ़ीस है। 250 जो फीस रहेगी वो एससी, बीसी ए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम के लिए अप्लीकेबल होगी। ठीक है जी, जो वीमेन कैंडिडेट है उनको 50% फीस लगेगी, जो हरियाणा की वीमेन है 50%। अगर आप मान लो जनरल में आते हो तो 500 रुपये लगेगी, एससी में आते हो तो 125 रुपये लगेगी। इस तरह से आपको 50% फीस लगेगी। ठीक है जी, फॉर्म आपको क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की 22 तारीख, 22 जुलाई क्लोजिंग डेट है। फॉर्म वहाँ जमा कराने हैं 29 तारीख तक जमा कराने हैं। देखो ये कह रहा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट, आपको फॉर्म भर के प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ ड्यूली साइन करके सेल्फ अटेस्टिंग जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लगा के डिप्टी रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी मेफील्ड गार्डन सेक्टर 51 गुड़गांव में भेजनी है ये वाला रजिस्ट्रार को के उधर। फिर अगर हम बात करें तो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, अगर हम सिलेक्शन का बेसिस देखें तो सिलेक्शन के लिए ना इन्होंने 50 मार्क्स के और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं कि भाई ये इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं कैंडिडेट के लिए। मतलब जो मतलब क्राइटेरिया का अगर हम बात करें, बेसिकली वही क्राइटेरिया है जो यूजीसी ने बनाया कि भाई एक असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए नेट हो या पीएचडी हो, उसके नेट और पीएचडी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास ना, या तो नेट हो या पीएचडी हो। ठीक है जी, यही। फिर अगर आपको यहाँ पे लगना है बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, तो इसके साथ हिंदी, हिंदू स्टडीज़, तो मास्टर डिग्री में 55% नंबर हो, नेट जेआरएफ हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा डिजाइन में, तो फिर बी ए आर्किटेक्चर, एम ए आर्किटेक्चर में हो, फिर उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो डिज़ाइन में। नर्सिंग के लिए आपके पास आपने एमएससी नर्सिंग से कर रखी हो, 3 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, पीएचडी हो तो डिजायरेबल है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एंड इस तरह से कुछ शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। देखो, अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% एंड अबव मार्क्स है तो 15 नंबर मिलेंगे। 60%, मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया वही है जो यूनिवर्सिटी में ये नॉर्मल रहता है, वही सिलेक्शन क्राइटेरिया है। स्कोर 60% से कम है तो 13 नंबर, 60 से 80 के बीच में 13 नंबर, और 55 से 60 के बीच में 10 नंबर है, 45 से 55 के बीच में 5 नंबर है। पीजी में भी इसी तरह से हैं, 80 से ज़्यादा 25 हैं और 60 से 80 के बीच में 23 हैं, 55 से 60 के बीच में 20 नंबर है। एम फिल के 60% से ज़्यादा 7 नंबर है, एम फिल के 55% से ज़्यादा 5 नंबर हैं, 55 से 60 के बीच में। पीएचडी के 30 नंबर हैं और नेट जेआरएफ के 7 नंबर हैं, नेट के 5 नंबर है, स्लेट के 3 नंबर हैं, रिसर्च पेपर के 2 नंबर हैं, मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे। टीचिंग के 2 नंबर हैं, मैक्सिमम आपको 10 नंबर एक्सपीरियंस के मिलेंगे। तो इस तरह से आपने कोई नेशनल अवार्ड वगैरह जीत रखा है तो आपको उसके 3 नंबर मिलेंगे। स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड जीत रखा है उसको 2 नंबर मिलेंगे। एम फिल पीएचडी कर रखी है 30 नंबर मिलेंगे, नेट जेआरएफ स्लेट कर रखा है 7 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद अगर आपने कोई एकेडमिक कोर्स
टोटल इस तरह से इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एकेडमिक जो होगा आपका 80 नंबर का, रिसर्च पब्लिकेशन 10 नंबर की, टीचिंग एक्सपीरियंस 10 नंबर का, एकेडमिक स्कोर के टोटल 80 नंबर काउंट किए जाएंगे और टीचिंग के 10 नंबर, रिसर्च पेपर के 10 नंबर, इस तरह से आपको बुलाया जाएगा। तो ये पीपीटी आपको बना, देखो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई देखो आप जिस सब्जेक्ट, आपको पीपीटी बना के लेके जानी है, वहाँ पे पीपीटी बना के लेके जाओगे, अगर आप किस तरह से बना के लेगा, जो भी सब्जेक्ट है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके 50 नंबर असेस्ट किए जाएंगे, टीचिंग स्किल के 30%, इंटरव्यू के 20%, इस तरह से आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। फिर हम बात करें आगे, ये कुछ हमारे पास इस तरह से इनका एडवर्टीजमेंट था। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।